तो ये वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाव करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट, अब दो कैटेगरी होते हैं। अगर हम टेक्निकली में जाएंगे तो वैक्सीन जो है वो कई तरीके से बनाई जा सकती है। ये जो बनाई जा रही है ये कंजुगेट तरीके से वैक्सीन बनाई गई है, और कंजुगेशन में ये होता है कि जो वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उस प्रक्रिया में ये इस तरह से कंजुगेट रहती है प्रोटीन से कि ये ज़्यादा बच्चों में इफेक्टिव होती है, और इस तरह की वैक्सीन से उन बच्चों का भी लाभ होता है जो बच्चों का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, उनको भी वैक्सीन दे के हम उनको निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी डॉक्टर अली ने बताया कि जो वैलेंट है इसमें कई तरह के निमोनिया के जो वैलेंट्स हैं उनके बचाव के लिए दिया गया है। PCV13 जो अभी आप लॉन्च हो रही है ये बहुत सेफ है, लेटेस्ट है, और इसको जो है मार्केट में भी अवेलेबल जो है वो अलग तरीके की वैक्सीन है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वो PCV13 यूज़ होगी। नेक्स्ट, ये जैसे PCV10 यूज़ होती थी पहले, PCV13 हमारे पास है, 4 डेज की वायल है ये, और जो है इसमें VVM लगा हुआ है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, यानी आप कहीं भी देख सकते हैं कि वैक्सीन की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। एक्सपायरी के अलावा इसमें ठंडक बनाई रखी गई है कि नहीं, इसके लिए इस पर एक ऑलरेडी एक रैपर है जिसको हम कहते हैं VVM, उसमें जो सफ़ेद वाला कॉलम है वो जब तक सफ़ेद रहता है हम देख सकते हैं कि वैक्सीन सेफ। इसमें भी ये वैक्सीन जो है ये जो हमारी पॉलिसी है ओपन वायल पॉलिसी उसके अंतर्गत आती है, तो ये वैक्सीन का सदुपयोग लास्ट बच्चे तक किया जा सके इसकी पूरी व्यवस्था है। नेक्स्ट, अब हम अगर इसकी पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे, टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे, तो जो PCV10 पहले थी, इसके पहले भी कई वैक्सीन थी, 7 आउट हो चुकी है, उसके बाद 10 आई, अब जो है ये PCV13 लेटेस्ट है। इसमें जो सीरो टाइप्स अगर हम देखेंगे तो कुछ और जो निमोनिया से लड़ने के लिए जो सीरो टाइप्स हैं वो इसमें एडेड है, तो ये पूरे विश्व की सबसे लेटेस्ट निमोनोकोकल की दवा है जो हमारे बच्चों को सुरक्षा के लिए दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में भी ये लॉन्च हो रही है। नेक्स्ट, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ऑलरेडी 139 कंट्री इसको यूज कर रहे हैं, इसकी 80% सीरोटाइप प्रेजेंट्स हैं इसके बचाव के लिए, और उसको इसके जो भी हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन है जो जिस बच्चों को ये दी जाएगी उस पर ऑलरेडी ये साबित हो चुका है कि बहुत कारगर है। डॉक्टर अग्रवाल सर ने भी बताया और पूरे जो है डॉक्टर अली ने भी बताया कि जो पूरे विश्व में है उसकी जो है अलग अलग पेपर्स होते हैं, आप पोजीशन पेपर्स में भी देख सकते हैं WHO के, और बहुत सारे रिसर्च में भी दिखाया गया है कि ये हमारे जो बच्चों में निमोनिया से बचाव बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट, ये एक पोजीशन पेपर का उद्घाटन, एक मतलब एक छोटा सा एक सैंपल है कि आप पोजीशन पेपर भी साइट पे जाके देख सकते हैं कि ये जो है पोजीशन पेपर निकलती है जिसके बाद पूरा रिसर्च हो चुका है इस वैक्सीन पे, तभी वैक्सीन लॉन्च होती है। मन में होगा कि आज ये लॉन्च हो रही है, कुछ दिन पहले अगर इसके बारे में चर्चा की होगी, ऐसा नहीं, 3 से 4 साल पहले तक इस वैक्सीन के बारे में कैसे लॉन्च होगी, इस पर एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी लॉन्च कैसे किया जाएगा इसकी पूरी प्रारूप बनाती है, उस आधार पर जो हमारी नेशनल लेवल पे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कमेटीज़ हैं वो इस पर पूरी डिटेल चर्चा करती है, उसके बाद उसके स्टेप्स हैं, स्टेप के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इसको कहाँ पर और कैसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया में जो डोजेज हैं उसकी ये ऑलरेडी डॉक्टर अली ने दिखा दिया है कि हम ये देख सकते हैं कि पहले लॉन्च होने के बाद PCV7 आई थी, फिर 10 आई, फिर अभी 13 है, और जो निमोनिया के केस हैं ये लगातार जो है डाउन होते चले जा रहे हैं, और अब जो है लगभग आप देख सकते हैं कि बिलो 5% हो गए। नेक्स्ट, वन 39 कंट्रीज में इसमें कुछ अब डार्क कलर्स हैं, कुछ लाइट कलर्स हैं, कुछ जो डार्क कलर्स हैं वो उन्होंने पूरे देश में एक साथ लागू किया है, जो हल्के लाइट कलर्स हैं उन्होंने क्या किया है, लागू तो किया है लेकिन पूरे देश में एक साथ लागू न करके कुछ एरियाज में किया है, और जो हमारे जो येलोज देख रहे हैं इंडिया, ये भी हमारे फेज आउट तरीके से फेज में मैनर्स में इसको लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे भी हम चर्चा करें डिसीजन मेकिंग कैसे होता है न्यूमोकल कॉन्जुगेट में, सबसे पहले दिसंबर 2014 में टीम बैठी थी, फिर अगस्त उस पर जो NTAGI हमारी एक कमेटी है नेशनल लेवल पर, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, उन्होंने क्या किया कि उस पर टोटल डिटेल चर्चा होती है, फिर उस पर लगातार उस पर चर्चा होने के बाद क्या आउटकम निकला, फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग, फिर जनवरी 2016 में मीटिंग हुई, फिर मिसिंग स्टेयरिंग ग्रुप MSG कहलाती है वो मार्च 2016 में आई, फिर हमारे अप्रैल से मई 2016 में एक्सपर्ट कमेटी ग्रुप ने इसको कहा कि यस इट इज सेफ एंड नाउ यू कैन यूज इन इंडिया ऑल्सो, और हम 2017 में बिहार में भी इसको लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट,
इसमें हमारा जो पीसीवी का डोज होगा वो 2 primary doses देंगे, एक 6 week पे और एक 14 week पे, और उसका जो बूस्टर डोज होगा वो 9 month का एज पे होगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बिहार के जो 17 जिले हैं जिसमें लॉन्च होंगे उसको हम लोग ने एक मैप में दिखाने की कोशिश की है। इसका चयन वहाँ के डिजीज बर्डन, हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, हमारे संसाधन वहाँ पे कैसे हैं, हमारे वहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ पर बच्चों की जो बीमारियों की स्थिति है, सारे को आकलन करने के बाद इन 17 जिलों का चुनाव हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी इसका लॉन्च होगा। नेक्स्ट, अगर हम समरी देखें तो ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये ऑलरेडी सेफ है, सारी वैक्सीन ऑलरेडी दूसरे कंट्री यूज़ भी कर रहे हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, अब ये जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज़ किया जाए। नेक्स्ट, अब इसकी प्लानिंग, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग ऑलरेडी हम लोग एक एक लेवल पर, जैसे आप देख रहे होंगे आज मीडिया ब्रीफिंग है, इसी तरह से स्टेट लेवल पर मीटिंग हो चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट जो 17 डिस्ट्रिक्ट है उस 17 डिस्ट्रिक्ट पे जो है मीटिंग होगी, जिसके चेयर जो है डीएम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, और स्टेट लेवल पे हमारे ईडी साहब और बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब लोग ने इसको लॉन्च करके पूरा देखा है। तो नेचुरली ये जो इसकी रोल आउट प्लान है बहुत बारीकियों से एक एक प्लान को देखा जा रहा है, इसकी लॉजिस्टिक हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी वैक्सीन आ चुकी है। नेक्स्ट, और जो टाइमलाइन है ऑलरेडी दे दिया गया है कि किस, ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी कि कहाँ पर ट्रेनिंग कितने तारीख को होगी, कौन कौन लोग आएंगे, किस तरह से आएंगी, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और ये भी देखा जा रहा है कि कितने लोग आए हैं, किस तरह की मॉनिटरिंग हुई है, सारे लोगों को सारी चर्चा हो रही है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक हुई है, डीएम ने इस पर चर्चा की है, सारे मेडिकल ऑफिसर से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर्स जितने भी हैं हमारी एएनएम आशा आंगनवाड़ी उनको ट्रेनिंग दिया गया है, तो ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत ही सफल तरीके से पीसीवी का लॉन्च आगे होने जा रहा है। पूरा डिटेल डॉक्टर सिन्हा इसके बाद बताएंगे आपको। नेक्स्ट, अगर हम ऑलरेडी देखेंगे तो इसकी हमने अभी बता दी आपको कि प्रिपेयरनेस ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। नेक्स्ट, आप प्रिपेयरनेस का असेसमेंट करने के लिए ऑलरेडी जो है डायरेक्शन जो है स्टेट से जा चुका है। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे कि हम लोगों ने इस पर पूरी डिटेल चर्चा की कि ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या स्थिति है, माइक्रो प्लान की स्थिति क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग की क्या स्थिति है, ये जो स्थिति है ये हमारे परसेंटेज स्कोर में दिखाए गए हैं जो ट्रेनिंग के पहले थे, इसके बाद हम लोग ने लगभग सारे लोगों की ट्रेनिंग कर ली है। नेक्स्ट, ऑलरेडी हमारे एस टी एफ आई और टी टी एफ आई हो चुकी है।